एक गाइस आप सभी का स्वागत करता हूँ असम 777 के एक नई वीडियो में। और आज का ये वीडियो टोटली डिपेंड है वाले इस वीडियो के ऊपर जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं थंबनेल। इसी थंबनेल करके मैंने एक वीडियो 2 दिन पहले प्रोवाइड किया था और काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को देखा, उसके बाद कॉमेंट भी किया था, तो सभी का रिप्लाई तो मैंने वहाँ पर कर दिया। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना एक पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ एक वीडियो, और इसीलिए आज मैंने डिफू कैंप तक का सफ़र बोल के आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बहुत इन्फॉर्मेशन होने वाले हैं। अगर आप असम या फिर असम के बाहर से जो कैंडिडेट है यहाँ पे आना चाहते हैं क्लर्क रनिंग के लिए, उन लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मैं खुद असम से हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे जब हमारे घर से डिस्टेंस लगभग 500 किलोमीटर है, तो मैं 500 किलोमीटर ट्रेवलिंग करके गया था। शायद वहाँ पे ट्रेवलिंग करने के बाद मेरे को वहाँ बहुत ही सारी दिक्कत हुई, क्योंकि मैं भी वहाँ पर नया था। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग अदर स्टेट से यहाँ पे आना चाहते हो तो आप लोगों के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि मेरे वहाँ पे खुद का एक्सपीरियंस रहा है। तो आप लोग का जो भी क्वेश्चन था उस वीडियो में, तो उस वीडियो का जो भी क्वेश्चन है वो उसका पूरा डाउट आज मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ अगर आप लोग आना चाहते हो तो मेरे भाई या फिर मेरे दोस्त बोल के आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों को कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए अगर आप आना चाहते हो तो कम्प्लीटली ये वीडियो देखें जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाले। जो कि आप लोग का पहला क्वेश्चन था कि कहाँ रहना होगा जब आप डिफू आएंगे, तो डिफू में आप लोगों को कहाँ रहना होगा या फिर पैसा कितना लगता है, क्या लगता है। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोग का सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन था उस वीडियो में, तो कहाँ रहना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग बाहर स्टेट से आना चाहते हो या फिर असम से भी, अगर असम का कोई भी स्टेट से वहाँ पर जाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप लोग का डिफू जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे आप लोगों को जाना चाहिए। और उसके बाद अगर आप लोग का घर से नेगेटिव जो कोरोना रेड टेस्ट है वो अगर करके गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं करके गए तो वही पे स्टेशन पे आप लोग का टेस्ट का सुविधा मिलता है, तो आप लोग वहाँ पे कर लेना। उसके बाद आप लोग के क्या हुआ है, जो रेलवे स्टेशन से आप निकलोगे, तो निकलने के बाद वहाँ पे साइड पे आप लोगों का एक होटल, एक होटल का नाम मैं भूल गया, वो होटल करके एक होटल है, क्या होटल था मैंने भूल गया, लेकिन उसमें साइड में आप लोग जा सकते हैं। ये जैसे कि ये रेलवे स्टेशन होगा, यहाँ से आप उतर के बाहर जब जाएंगे, इधर ऑटो का पूरा लाइन लगा हुआ है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ साइड पर जो होटल लगा हुआ है, अगर उस होटल में अगर आप लोगों का रूम मिल गया तो अच्छी बात है। लेकिन अगर रूम नहीं मिला, मैं तो भैया के वहाँ पे रहता, लेकिन अगर आप लोगों को उस होटल पे रूम नहीं मिलता है तो आप लोग सीधा चले जाना उस ऑटो वाले के साथ हमने, और ऑटो वाला आप लोगों से 50 रुपये लेगा। वो जो डिफू कैंप है, ये जो आप देख सकते हैं ये गेट, तो ये गेट तक पहुँचने के लिए आपका टोटल 7 किलोमीटर है, ठीक है। 7 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस रहने वाले हैं रेलवे स्टेशन से और यहाँ तक, तो आप लोग के लिए 50 रुपये लेगा। अगर आप ज़्यादा बोले तो आप लोग नहीं देना, क्योंकि 50 रुपये भी बहुत ज़्यादा होता है। दिन के समय में तो 30 रुपये लेता है, लेकिन फिर भी आप लोग को वहाँ पर बहस करना नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों का लोकल एरिया है। तो आप लोग का 50 रुपये दे के वहाँ से आप लोग सीधा ऑटो पकड़ के जाना, अगर आप लोग को होटल नहीं मिला, ठीक है, तो सीधा आप लोग डिपो कैंप तक चले जाना। और डिपो कैंप में जाने के बाद अगर आप पहले दिन, अगर आप दूसरा दिन अगर आपका रनिंग है और पहले दिन आप पहुंच गए डिपो कैंप में, तो आप लोगों के करना, अगर रूम नहीं मिला तो सीधा आप चले जाना डिपो कैंप का जो रनिंग प्लेस है वहां तक, और वहां पे जाके आप लोग का साइड में जो घर है उन घर में जाके आप लोग को पूछना होगा कि रूम मिलेगा, तो वो लोग आपको आसानी से रूम प्रोवाइड कर देंगे। हालाँकि रूम इतना बेहतर नहीं होगा, आप लोग को चाहे तो मिट्टी में ही सोना पड़ेगा, लेकिन आप लोग को एक चद्दर वद्दर दे जाएगा, उसके ऊपर आप लोग को सोना पड़ेगा ऐसा ही। वहाँ तो थोड़ा दिक्कत तो होगा अगर आपको रूम नहीं मिला रेलवे स्टेशन के सामने, तो वहाँ पे जाके आप लोग क्या करना है, एक रूम जैसा भी आप रूम लेना है, उसके बाद आपका जो कम्बल वम्बल है वो लगा के आप वहाँ पर सो सकते हैं, एक रात की बात है। तो अगर आप लोग ऐसा, तो आप लोग वहाँ पे पहुँच जाते हो, और कितना पैसा मैंने बोला 50 रुपये आपको ऑटो में आपको लगता है 50 रुपये, ठीक है। उसके बाद अगले दिन जब आपका रनिंग होगा, रनिंग से पहले जो आप गेट में जाएंगे, तो मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग सुबह सुबह ही चले जाए गेट में, ठीक है। अगर आप आसपास नहीं है, अगर आप और रेलवे स्टेशन में ही रहे, तो सुबह ही निकल के आप लोग चले जाना, 3 या 4 बजे से ऑटो लगते हैं उधर, तो आप लोग चले जाना उधर, और जाके क्या करना, पूरा लाइन लग जाना। और डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग का गेट के अंदर जाने के लेता है, वो सबसे पहले आपका लेता है एडमिट कार्ड, जो कॉल लेटर आपका है वो कॉल लेटर लेगा, उसके बाद आपका आईडी प्रूफ, एक जो भी आधार कार्ड हो वो आईडी प्रूफ, उसके साथ आप लोग का जो कोरोना रेड टेस्ट है उसका एक, जो कोरोना का रेड टेस्ट है वही आपका कागज़ दिखाने पड़ेगा। ये 3 ही डॉक्यूमेंट्स आपको उधर दिखाना है सबसे पहले, और उसके बाद आप लोग का एंट्री हो जाएगा, ठीक है। एंट्री होने के बाद आपका क्या होगा, आपका साइड में बिठाया जाएगा, और
आपका जो रनिंग जो प्लेस है वो तो आपका जो अंदर आपका ये जो गेट देख रहे हैं, ये गेट से आप लोगों का ये गेट से एंट्री होगा, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये थोड़ा तंबू करके है, तो यहाँ पे आप लोगों का साइड में बिठाया जाएगा। बिठाने के बाद आप लोगों का गाड़ी आएगा ऊपर से, और जो आप लोग का रनिंग है यहाँ से, ये जो आप लोग घर देख सकते हैं यहाँ से आपका करीब से करीब 7 किलोमीटर ऊपर आपका क्या है रनिंग है। 7 किलोमीटर अंदर जाने के बाद आप लोग को वहाँ से रनिंग स्टार्ट हो गया, तो वहाँ तक आप लोग का चल के नहीं जाना पड़ेगा, उन लोग का जो गाड़ी है आर्मी का गाड़ी वो लोग आएगा और आप लोग का ग्रुप ग्रुप करके 40 40 जन सहित करके आप लोग को ले जाएगा अंदर पूरा ऊपर पहाड़ के ऊपर, 7 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर ले जाएंगे, उधर जाके आप लोग को बिठाएंगे, और पहाड़ के ऊपर जो उन लोग का ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे जाके आप लोग का फील्ड के ऊपर बैठा जाएगा पहाड़ के ऊपर। उसके बाद आप लोग का टोटली वहाँ पे जाके 200 300 या फिर करीब से करीब 400 जब बंदेंगे तब आपका ग्रुप देखा जाएगा। अगर आप लोग सिर्फ 300 लोग हो तो आप लोग का एक ही ग्रुप में दौड़ा जाएगा, और आपका 200 ग्रुप हो और तो भी एक साथ दौड़ा जाएगा, और अगर आपका 400 ग्रुप है तो आपका 200 200 करके दौड़ा जाएगा ऊपर से। तो 7 किलोमीटर आप अंदर चले गए गाड़ी में, उसके बाद वहाँ से आप लोग का रनिंग स्टार्ट होगा, और उसी के अंदर जो 5 किलोमीटर का राउंड होता है उसी रास्ते में आपका क्या होगा रनिंग होगा। ठीक है, तो आप लोग रनिंग तक तो पहुंच गए, उसके बाद कितना करके रनिंग दौड़ाएगा मैंने बोला कोई, अगर आप 400 बंदे हैं तो अगर आपका 200 200 करके दौड़ाएगा, अगर आप 200 बंदे हैं तो एक ही ग्रुप में दौड़ाएंगे, अगर आप 300 बंदे हैं तभी भी एक ही ग्रुप में दौड़ाएंगे, क्योंकि हम लोग का जो ग्रुप था उसमें 300 बंदे दौड़ाए थे, और रास्ता तो बहुत छोटा है ये तो आप लोग है, और साथ में आप लोगों का जो रनिंग ट्रैक है वो ऐसा रहने वाला है। रनिंग ट्रैक मैं आप लोगों के लिए डर नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन सच्ची बात बोल रहा हूँ, रनिंग ट्रैक 80% तो टफ है, और 20% या कि 300 400 मीटर ऐसा होगा जो कि आप लोगों को थोड़ा आसानी मिलेगी, बाकी सब आपका ऊंचाई और ढलान, ऊंचाई ढलान ऐसा करके है। 3 किलोमीटर तक आपका रनिंग अच्छा होने वाला है, बाकी का जो लास्ट का 2 किलोमीटर है वही टफ होने वाला है, उसमें जो बंदे ने कोशिश की उसी का वहाँ पे रनिंग क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि 3 किलोमीटर तक बहुत अच्छा होगा, बाकी 2 किलोमीटर जो है वो टफ रहने वाला है। तो आप लोग का जो एनर्जी है वो 3 किलोमीटर तक इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, बाकी का जो 2 किलोमीटर है वहीं तक आप लोग का एनर्जी पूरा लगा देना है, अगर आप लोग 3 किलोमीटर में पूरा एनर्जी लगा देते हो तो आप लोग का कुछ वहाँ पर फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, 3 किलोमीटर तो सबसे पहले आप लोग का आसान, जैसे कि आप लोग गांव में पहले वार्म अप करने के लिए 1 2 किलोमीटर जैसे आसानी से दौड़ते हो उसी तरह वहां पे दौड़ना है 3 किलोमीटर तक, और बाकी जो 2 किलोमीटर है उसको आपको पूरा खींचना है, तभी आपका पूरा वहां पे टाइमिंग पे आप पहुँचोगे। ठीक है, रनिंग ट्रैक मैंने बता दिया कि हालांकि वहाँ पे 80% रनिंग ट्रैक आपका टफ होने वाला है, अगर आप लोग का प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा है तो आप लोग वहाँ पे कर जाओगे, अगर किसी का पेट में दर्द हो गया तो आप लोगों का थोड़ा दिक्कत होने वाली है, तो जो कि मेरे को पूरा पेन हुआ था पेट दर्द में और इसी से मेरा दिक्कत हुआ, तो आप लोग अगर पेन वेन कुछ नहीं करेगा पेट में तो आप लोग आसानी से पास कर जाओगे, और 100% रनिंग ट्रैक कैसा है मैंने बता दिया, आप लोगों का कैसा रनिंग करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और रनिंग पास के बाद क्या होगा, रनिंग पास के बाद तो कुछ नहीं होगा, आप लोगों का जो जो रनिंग पास हो जाएंगे उनको आप लोगों का साइड में रखा जाएगा, और जो फेल है उनको साइड में रखा जाएगा। रनिंग पास करने के बाद आप लोगों का पूरा दिन दिन भर तो नहीं लेकिन शायद दिन भर ही लगता है, लगा आप लोगों का उधर क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने घर से लाए थे, अदर डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बोला था 3 डॉक्यूमेंट्स तो आपको गेट में दिखाना पड़ता है, उसके बाद जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट शायद वो सब उधर चेक होगा, उसके बाद आप लोगों का क्या होगा कि आप लोग का एक पर्ची, छोटी सी पर्ची दिया जाएगा जो आपको रनिंग पास है उसका छोटा सा एक पर्ची दिया जाएगा, उससे आप लोग का अगले दिन टाइपिंग के लिए आना होता है उसी कैंप में अंदर। तो अगर आप लोगों ने अभी आप लोगों का 14 तारीख का आपका है रनिंग है, मैंने सब कुछ 14 तारीख का आपका रनिंग है, तो आप लोग अगर रनिंग में आप लोग का पूरा कॉन्फिडेंस है तो आप लोग का टाइपिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि टाइपिंग का अगले दिन में ही होने वाला है, तो आप लोग रनिंग से ज़्यादा टाइपिंग में आप फोकस करें, क्योंकि एक दिन अगर रनिंग पास हो गए तो उसके अगले दिन ही आपका टाइपिंग होने वाली है, तो टाइपिंग में अगर आप सिलेक्शन हो गए तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे 80% हो जा सकता है, क्योंकि सारे लोग टाइपिंग में फेल हो रहे हैं,
रनिंग कैसे भी करके निकल रहा है। 300 बंदे में आपका 200 या 250 या फिर 150 बंदे तो पास हो रहे हैं, लेकिन रनिंग में आप टाइपिंग में आप लगा का क्या हुआ, सब निकल जा रहे हैं। जैसे कि हमारा जो रनिंग था उसके रनिंग के पहले 2000 लोग यहाँ पे टाइपिंग देने के लिए आए थे पास करके, ठीक है। 1 तारीख से 6 तारीख तक 2000 लोग आए थे, और उसमें से आप लोग का टाइपिंग सिर्फ पास हुए 8 लोग। तो सोच सकते हैं आप लोग का कंपटीशन तो रनिंग में था, लेकिन कंपटीशन टाइपिंग में जो था वो कंपटीशन बहुत ही लो था। अगर यहाँ 2000 बंदे में से 8 बंदे निकलते हैं टाइपिंग के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि टाइपिंग कितना टफ होने वाला है। टाइपिंग टफ तो नहीं, लेकिन अगर आप लोग का प्रैक्टिस है तो आप लोग आसानी से निकल जाओगे। इन लोगों का शायद प्रैक्टिस नहीं था, इसलिए इन लोग निकल गए। अगर आप लोग का टाइपिंग अच्छा है तो आप लोग नौकरी यहाँ पे पक्का होने वाले हैं। और अगर मैंने वहाँ पे कुछ भाई लोगों को भी देखा था जो कि उत्तर प्रदेश से थे, और उन लोगों का कुछ एडमिट में गड़बड़ हो गया था, तो उन लोगों को रनिंग तो पहले दिन हुआ, लेकिन दूसरे दिन जब टाइपिंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तब उन लोगों को ले निकाल दिया गया। तो आप लोग ये गलती ना करें। आप लोग अगर देख ले कि अदर स्टेट का कौन सा स्टेट का कब पढ़ने वाला है, वो आप तो पहले तो आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों का सही से है, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश के दिन ही स्टार्ट होगा, या फिर हरियाणा का हरियाणा के दिन में ही स्टार्ट होगा रनिंग, या फिर पंजाब का पंजाब के दिन में ही होगा, तो जो जो भी आपका डेट पे आपका रनिंग होने वाला है वही देख लीजिए। अगर आपका गड़बड़ है, अगर आपका उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश का 14 तारीख से स्टार्ट है, लेकिन आपका हरियाणा में आ गया, हरियाणा का जब रनिंग है 12 तारीख को तब हरियाणा में आ गए, तो आप लोग वहाँ पे क्या है और कुछ डाउट रहता है वहाँ पे आने के लिए, तो वैसा अगर दिक्कत हुआ तो आप लोग सोच सकते हैं आने के लिए, या फिर ना आए तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो 2 बंदे आए थे उनका असम का रनिंग का दिन पड़ गया था, लेकिन उन लोगों को बाद में किया गया, उनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उन लोगों को ले बहुत सारे दिक्कत हुआ, उन लोगों को निकाल दिया गया उधर से। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आपका स्टेट का रनिंग उधर हो रहा हो तभी आप आना। अगर आपका एडमिट में मिस्टेक आया है तो आप जरूर से करके वहाँ पर मत आना। अगर आपका सही से है तो अभी आना। और आप लोग अगर अदर स्टेट से हो, असम के बाहर से, तो आप लोगों का फुल टू चांस है कि आप लोग यहाँ पे नौकरी ले सकते हो। तो वही कहता हूँ कि आसान तो होने वाली है, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत मेहनत कर ले। तो आशा करता हूँ कि आज के ये वीडियो से आप लोग का पूरा इन्फॉर्मेशन मिला डिफो कैंप तक का सफ़र। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोगों के लिए रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय आए अहम।